नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में सबका स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं भी इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, बट सफलता का स्मार्ट कट जरूर होता है, या सफलता का स्मार्ट रास्ता होता है जो कि शॉर्टकट की तरह ही लगता है। दोस्तों, जमाना वो नहीं है कि आप हार्डवर्क करो, जमाना ये है कि आप हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करो। और ये जो बात है स्मार्ट वर्क वाली, वो सिविल सर्विसेज पे भी लागू होती है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कई स्टूडेंट मुझे फ़ोन कर रहे थे कि सर पीसीएस प्री चूँकि आने वाला है 21 जून को है, तो कुछ ऐसा बताइए जिससे कि पीसीएस प्री क्वालिफाई करना इजी हो जाए। दोस्तों, जो मेरा अनुभव रहा है पीसीएस को लेकर, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, या जो यूट्यूब पे या जो नॉर्मल तरीके से कोचिंग्स वगैरह हैं वो लोग भी एक तरह से मिसगाइड करते हैं। इंटेंशनली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनसे भी गलती होती है। दोस्तों, पहली बात समझिए कि सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस का मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं होता है। हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं होता है। पीसीएस प्री में आपको लगभग 6-7 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, सब आते हैं। और सबका वेटेज बराबर होता है, सबका वेटेज बराबर होता है। आप क्वेश्चन हिस्ट्री का राइट करो चाहे आप करंट अफेयर्स का राइट करो, बात बराबर आती, नंबर आपको बराबर ही मिलते हैं। दोस्तों, अमूमन देखा मैंने क्या है कि कई लोग एडवाइस करते हैं बोलते हिस्ट्री पढ़ लो, और कई कोचिंगें जो हैं वो हिस्ट्री पढ़ाती भी हैं शुरुआत में, और देखा यह गया कि 5-5, 6-6 महीना पढ़ा रही हिस्ट्री। हिस्ट्री को ख़त्म करने में उन्होंने 6 महीने ले लिए, साल भर के कोर्स में 10 महीने कोर्स में 6 महीना हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, और टाइम पे सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाता, और आखिरी का 1-1.5 महीना जब रह जाता है तो फटाफट सब कुछ एनवायरनमेंट साइंस को फटाफट ख़त्म करते हैं। दोस्तों, ये एक गलत तरीका है। एक और गलत तरीका होता है कि लोग आखिरी के टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आखिरी 10-15 दिन के तक करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत गलत तरीका है। दोस्तों, मैं आज आपको 3 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको पीसीएस प्री में क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे। ये जो सब्जेक्ट हैं, एक तो पहली बात समझिए कि इनका सिलेबस छोटा है, थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू हिस्ट्री, थोड़ा छोटा है। क्वेश्चंस भी जो आते हैं बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं आते हैं, सीधे अमूमन सीधे से आते हैं, और 1.5-2 महीने की अगर आप मेहनत कर लो तो ऐसा हो जाता है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन, नहीं तो 80-90% क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। दोस्तों, 3 सब्जेक्ट हैं, वह करंट अफेयर्स, साइंस और एनवायरनमेंट। करंट अफेयर्स में मैं इकोनॉमिक्स भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी जो यूपी पीसीएस में पूछी जाती है वो अमूमन करंट से जुड़ी होती है। काफ़ी थ्योरेटिकल नहीं पूछते हैं जैसे आईएएस में पूछते हैं, ऐसा नहीं है। पीसीएस में अमूमन वही पूछ लेंगे सीआरआर क्या है, जीडीपी है, कोई सी योजना कौन सी आ गई, जो करंट जैसी लगती है। ठीक है, लगभग 40-45 क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं, कम से कम 2 सोर्सेज से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो आराम से, नहीं 100% तो 70-80% तो आप क्वेश्चंस राइट कर दोगे। आप कोई मुश्किल नहीं होता, 2 सोर्सेज से, एक स्टैंडर्ड 2 सोर्सेज से पढ़ोगे तो आराम से आप करंट अफेयर्स में अच्छा ले आओगे। दूसरी बात करते हैं साइंस की, बात करते हैं साइंस में। दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, जिसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, उसके बाद फिजिक्स आती है, और लास्ट में केमिस्ट्री आती है। लगभग 28-30 क्वेश्चन पूछते हैं साइंस के। स्थिति ऐसी दोस्तों कि अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ रहे हो, ढंग से क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो साइंस के आप 28-30 क्वेश्चन राइट कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे मित्र हैं जो इस समय पीसीएस हैं, मैं कई बार उदाहरण दे भी चुका हूँ इस बात को। 2016 में जब पीसीएस बने, उससे पहले जब उस साल का प्री दे रहे थे, तो हिस्ट्री साइंस के, वो मुझे बताते हैं कि हिस्ट्री में उस साल उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया था, मात्र 5-6 क्वेश्चन राइट थे पीसीएस प्री में उनके। लेकिन चूँकि साइंस उन्होंने 29 क्वेश्चन उस साल आए थे, 29 में से 27 क्वेश्चन राइट कर दिए थे, इस कारण का पीसीएस प्री निकल गया था। दोस्तों, वो इंसान जिसका बैकग्राउंड भी साइंस का नहीं है, वो साइंस को ठीक से पढ़कर सारे क्वेश्चन राइट कर सकता है, तो आप भी सारे क्वेश्चन राइट कर सकते हो। साइंस का जो लेवल है, जो जो रेंज है, काफ़ी लिमिटेड है। ठीक से पढ़ेंगे 1.5-2 महीने के अंदर साइंस पूरी कवर हो जाती है, और आप सारे के सारे क्वेश्चन राइट कर सकते हो। तीसरा सब्जेक्ट जो है दोस्तों है वो एनवायरनमेंट, बिल्कुल उपेक्षित सब्जेक्ट है सब, बिल्कुल उपेक्षित, कोई तो पूछता ही नहीं, मतलब एनवायरनमेंट को तो कोई ये मानने को तैयार नहीं सब्जेक्ट है। दोस्तों, 15 क्वेश्चन आते हैं लगभग, एनवायरनमेंट कुछ नहीं, ज्योग्राफी और साइंस का मिक्सचर है। 15 क्वेश्चन आएंगे, हफ्ता भर ढंग से पढ़ लो आप, हफ्ते भर में आप एनवायरनमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन राइट कर सकते हो। लेकिन चूंकि लोग पूरा साल साल भर हिस्ट्री, पॉलिटी इसी में लगे रहते हैं, तो इस ऐसे सब्जेक्ट को जो कि हफ्ते भर में आपको 15 क्वेश्चन राइट करके दे सकता है, वो नहीं पढ़ते हो आप। तो दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि करंट अफेयर्स, साइंस और एनवायरनमेंट, इन 3 सब्जेक्टों का आप एक कॉम्बिनेशन बना के चलो। इस कॉम्बिनेशन में आपके 90 क्वेश्चन आते हैं, और 90 के अगर आप 70 क्वेश्चन भी राइट कर देते हो,
क्योंकि 90 क्वेश्चन पे तो आपका कट ऑफ निकल आएगा, क्योंकि इस बार 2020 में 1000 सीटें आ रही हैं, 1000 सीटों के हिसाब से 90 क्वेश्चन पे कट ऑफ आ जाएगा। अगर करंट साइंस और एनवायरनमेंट के 90 में से आप 70 भी ऐड करते हो तो थोड़ा बहुत तो आपका ज्योग्राफी में, थोड़ा बहुत पॉलिटी में, थोड़ा बहुत साइंस में तो करके आप 90 तो क्रॉस कर ही दोगे आप। लेकिन अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये जो 3 सब्जेक्ट है इसमें आपको बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर स्कोर करना ईजी है। अगर मान लो 90 क्वेश्चन पूछे जाते हो, 90 में से आप 40-45 ही राइट कर पा रहे हो, तो फिर आप ये उम्मीद मत लगाना कि हिस्ट्री से आप राइट कर पाओगे। भाई 5000 साल की हिस्ट्री है, 1000 किताबें लिखी गई हैं। UPSC की हिस्ट्री तो IAS से भी मुश्किल आती है, क्योंकि फैक्चुअल आती है, फैक्ट्स पूछते हैं, नाम पूछते हैं, नाम वैसे ही याद नहीं होता, ठीक है। तो फैक्चुअल वाली हिस्ट्री जो होती है वो टफ होती है, वो थोड़ा सा दिक्कत है, कि उससे आप ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ। 24 क्वेश्चन पूछेंगे, 4-5 भी कर लिए तो बहुत बड़ी बात होती है, अमूमन कम क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। पॉलिटी में पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि लगातार टफ क्वेश्चन होते जा रहे हैं, तो उसमें भी आप अगर 20-22 क्वेश्चन पूछेगा तो उम्मीद करके चलिए कि ज़्यादा 10-12 या 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो आपको इन 3 सब्जेक्टों पर फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब्जेक्टों की बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी बताऊं पूरा कि किसको कैसे पढ़ते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि लाइक आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर लाइक कर देते हैं तो मैं आपका जो करंट अफेयर्स साइंस और एनवायरनमेंट की जो स्ट्रेटजी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपको 90 क्वेश्चन और आसान लगेगा करना। दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही था, कोशिश मेरी ये है कि आपको मैं शॉर्टकट तरीका बता सकूँ, एक मैजिक ट्रिक बता सकूँ, जिससे जो आपको PSC फ्री में क्वालिफाई करने में हेल्प कर सके। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।